हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाइल शीट्स के बारे में, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसे प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि अपने प्रोजेक्ट रिएक्ट के प्रोजेक्ट में इनलाइन सीएसएस को कैसे लगाते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाइल शीट के थ्रू हम सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक सेपरेट फाइल बनानी है जिसका एक्सटेंशन .css होगा, ठीक है। फिर आपको उस सीएसएस को जिस कंपोनेंट में यूज करना है उसको वहां पे इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने app.css नाम का एक फाइल क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें मैं कुछ सीएसएस बनाया हूं, जैसे कलर, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। अब इस app.css को मुझे किसी अगर कंपोनेंट में यूज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैंने एक हेडर नाम का कंपोनेंट बनाया है, उस हेडर नाम के कंपोनेंट के अंदर क्लास में, मतलब H1 टैग के अंदर क्लास लिखा है, क्लास के अंदर आपको इक्वल लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करना है, फिर उस क्लास का नाम लिखना है जो क्लास आपने सीएसएस में app.css में बनाया हुआ है। जैसे ये क्लास का नाम है और मैंने यहाँ पे सीधे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, तो क्या होगा कि H1 में ये जो है कलर, पैडिंग, सारा सीएसएस आपके H1 टैग में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर तो इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने अपने कोड को 3000 पर रन कर लिया है एंड विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है, ठीक है। अब ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि, और ये मेरा स्टूडेंट कंपोनेंट है। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, student.css। अब मैं ये app student component पे import करता हूँ, import हो गया फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ डॉट करके, और इसमें मैं दे देता हूँ कलर, कुछ सभी कलर लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है, सेव किया। अब आपको सिंपली क्या काम करना है, इस क्लास को कॉपी करनी है और जहां आपको यूज करना है, जैसे मुझे H4 के अंदर यूज करना था, क्लास पेस्ट कर दिया, सेव किया, ब्राउजर पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपका जो H4 टैग था उसके अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है, फॉन्ट कलर जो आपने दिया था वो हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सेम क्लास आप पी टैग पे यूज करना, तो आपको सिंपली लिखना है क्लास और पेस्ट कर देना, सेव किया। देखिए सेम CSS दोनों पे ऐड हो गया, यानी H1 पे भी ऐड हो गया है और पी टैग पे भी ऐड हो गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई और क्लास आप अगर बनाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक नाउ का एक क्लास बनाता हूँ और क्लास में डॉट के साथ बनाना पड़ता है, यहाँ पर मैं देता हूँ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड
रिंग ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर ये क्लास अगर आपको यहाँ पे यूज करनी है तो आप क्या काम करोगे, अगर आपको मान लीजिए एच वन टैग के अंदर दोनों क्लास को यूज करनी है तो आप करके स्पेस पे आपको सेकंड क्लास लिख देनी है। ठीक है, अब मैं गो की या तो देखिए फ्रंट अब ऐड हो गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर हटा दे के सेकंड क्लास में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। सेव किया तो देखिए यहाँ क्योंकि पी टैग से हट गया है कि हमने पी टैग में कौन सा क्लास यूज किया है, ये वाली हेड में, और हेड में बैकग्राउंड कलर नहीं केवल कलर है। ठीक है, अब सेकंड क्लास में मैंने बैकग्राउंड कलर को और फॉन्ट साइज को यहाँ पे उठा के डाल दिया है तो आप देख पा रहे होंगे कि पी टैग से बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया है और एच वन टैग में है। ठीक है, अगर आप सेम क्लास अगर इसमें भी पी टैग में भी अगर यूज करना चाहते हैं तो ऐसे फिर दोनों जगह पे क्लास अप्लाई हो गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस सीएसएस को अगर आपको कंडीशनली हैंडल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ फ्रेंड, यहाँ से एक प्रॉप पास करता हूँ मैं अगर यहां से ट्रू पास करो तो कंडीशन अप्लाई हो जानी चाहिए, मतलब यानी वो सीएसएस ऐड हो जानी चाहिए। अगर मैं वहां से फॉल्स पास करो तो सीएसएस रिमूव हो जानी चाहिए। मैं एक यहां पर टेबल बनाता हूं कॉन्स्ट माय स्टाइल नाम का, मैं लिखता हूँ props dot is true अगर double equals to true हो क्या हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि ये मेरा जो क्लास है यहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे सेट नहीं होनी चाहिए और आपको सिंपली कुछ नहीं करनी है। इस माइनस टाइप को यहाँ पे कॉपी कर देनी है यहाँ से आपका कंडीशनली एड हो गया क्लास। अगर मैं ऐप से यहाँ फॉल्स कर दूं देखिए फ्रेंड कलर वहां से हट गया है, H1 टैग से आपका CSS रिमूव हो गया है। ठीक है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ट्रू हो तो ये क्लास ऐड हो जानी चाहिए, नहीं तो ये वाली जो हेड वाली क्लास है ये ऐड हो जानी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए फ्रेंड आपका केवल कलर ऐड हो गई है क्योंकि हमने ये वाली क्लास में केवल ओनली कलर है सीएसएस में। अगर मैं सेम चीज अगर पी टैग पे यूज करना चाहता हूँ तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कर देनी है तो देखिए फिर दोनों पे कलर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से ट्रू पास करेंगे देखिए फ्रेंड बैकग्राउंड कलर ये सब ऐड हो गया। ठीक है, और इसका फॉन्ट कलर ब्लैक रहेगा क्योंकि हमने सेकंड वाले सीएसएस में फॉन्ट कलर नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्टाइल शीट के थ्रू भी कलर CSS को अप्लाई कर सकते हैं, अनकंडीशनली भी आप CSS को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।